नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर स्टडीज. इट इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 8, चैप्टर 7. चैप्टर नेम इज रिपीटेशन इन पाइथन पार्ट 5. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम प्रोग्राम्स ऑफ पाइथन, विच इज ऑल्सो योर क्वेश्चन आंसर इन योर बुक. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज program to find the sum of natural number from 21 to 30 and both number inclusive. It means here you will find out the sum of these natural number from 21 to 30. एक program हमें बनाना है जिसमें हमें 21 से लेके 30 तक के जो natural number है उनका total करना है. So सबसे पहले हमने क्या किया, first of all we take a variable name number. Number नाम से हमने एक variable लिया जिसको हमने zero value assign की है. Then हमने यहाँ पे for loop चलाया है. फोर एक्स इन रेंज 21 से लेके 31 तक एक फोर लूप चला है, ठीक है. और इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे हमने नंबर लिया है वेरिएबल, उसमें एक्स को हम टोटल कर देंगे हर बार में, और फिर उसके बाद में नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा लास्ट में. जब आपका फोर लूप 31 तक आ जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. So this is our program. I will show its output in your live class. इसके जो outputs हैं वो मैं आपको live class में show करूँगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक for loop चलाया है 21 से लेके 30 तक का, और x की जो भी value यहाँ पे आएगी वो number में plus होती जाएगी, ये जो variable है number, और last में यहाँ पे print करके हमने number को print कर लिया है, ठीक है. Question number 2. Program to find the sum of natural number from m to n where m and n are input by the user. हमें natural numbers का sum यहाँ पे show करना है m से लेके n तक का, और m और n जो है वो user input करेंगे. It means हमें user से two values लेनी है. First is कि कहाँ से हमें natural number find out करने हैं और कहाँ तक करने हैं, और फिर उसका sum हमें प्रिंट आउट में दिखाना है, प्रिंट दिखाना है, ठीक है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, फिर उसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया m, जो कि यहाँ पे बोला है कि यूजर से इनपुट लेना है. यहाँ पे हमने इसका इनपुट लिया एंटर फर्स्ट नंबर, और n इज एंटर सेकंड नंबर. टू नंबर हमने यूजर से ले लिए, लाइक 1 to 10, ठीक है. तो यहाँ पे 1 दे दिया यूजर ने, यहाँ पे 10 दे दिया. तो टू नंबर हमको यूजर से लेने पड़ेंगे कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके आपको एंड करना है, ठीक है. देन हमने यहाँ पे फोर लूप चलाया, फोर एक्स इन रेंज एम एन प्लस 1, यानी कि एम से लेके एन प्लस 1 तक ये जो लूप है ये चलना चाहिए, और फिर इसके बाद में नंबर प्लस इक्वल टू एक्स. यहाँ पे हमने दे दिया कि एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर में प्लस हो जाएगी, और प्रिंट द सम, और फिर उसके बाद में नंबर जो भी है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका जो सम है नेचुरल नंबर्स का वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. नेचुरल नंबर मीन्स अगर यूजर ने 1 डाला और 10 डाला, तो 1 से लेके 10 तक का टोटल जो है वो आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे यूजर ने 1 डाला, यहाँ पे 10 डाला, तो यहाँ क्या हुआ कि x जो है वो m यानी कि 1 से लेके और n प्लस 1 यानी कि 11 तक वो चलेगा, ठीक है. और उसके बाद में x की जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर में प्लस होती जाएगी, और लास्ट में नंबर को प्रिंट कर लिया जाएगा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम m टू n वेयर m एंड n आर इनपुट बाय द यूजर. सेम क्वेश्चन है, बस इवन नंबर्स का सम करना है यहाँ पे, और जो डेटा इनपुट है वो यूजर से लेना है एम और एन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 0 उसे हमने असाइन कर दिया. देन एम का हमने इनपुट लिया एंटर फर्स्ट नंबर, और एन का हमने इनपुट लिया एंटर सेकेंड नंबर. टू नंबर्स हमने यहाँ पे एंटर करवा लिए, एम इज इक्वल्स टू एंटर फर्स्ट नंबर एंड एन इज इक्वल्स टू एंटर सेकेंड नंबर. देन हमने यहाँ पे फाइंड किया कि जो यूजर है वो इफ m इज इक्वल सॉरी ग्रेटर देन n, कि m अगर n से
इफ एम इज ग्रेटर देन एन, अगर एम जो है वो एन से बड़ा है तो हमें प्रिंट दे देना है फर्स्ट नंबर मस्ट बी लेस देन सेकेंड नंबर, यानी कि हमें यहां से लेके यहां तक के जितने भी नंबर हैं उनमें जो इवन नंबर है उनका टोटल करना है। यानी कि अगर यहाँ पे नंबर 1 एंटर किया है और सेकेंड नंबर जो है वो 10 एंटर किया है, तो 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका टोटल हमें यहाँ पे काउंट आउट करना है। तो अगर m जो है वो n से स्मॉल होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा कि अगर m जो है वो ग्रेटर देन n हो गया, यानी कि आपने अगर यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, तो आपके पास ये मैसेज आ जाना चाहिए कि फर्स्ट नंबर मस्ट बी लेस देन सेकेंड नंबर, यानी कि जो आपने फर्स्ट नंबर डाला है वो सेकेंड नंबर से स्मॉल होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। एल्स अगर नहीं है, अगर m जो है वो n से छोटा है, देन क्या होना चाहिए, तो ये फोर लूप लग जाना चाहिए, फोर एम इन रेंज m n+1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमने एक फोर लूप चलाया है जिसको हमने m से स्टार्ट किया और n+1 तक चलाया, और 1 1 का हमने इसमें इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। इफ m मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर m का जो हम इसको m को हम अगर 2 से मॉड्यूलस करते हैं तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है, ठीक है, यानी कि जो m जो नंबर है m में जो भी हमने यहाँ पे इस वाले m में ये जो हमने फोर लूप स्टार्ट किया है यहाँ पे जो भी नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा और अगर 0 आता है इट मीन वो इवन नंबर है, तो क्या हो नंबर प्लस इज इक्वल्स टू m, यानी कि m की जो भी वैल्यू है वो नंबर में प्लस हो जाए और अदरवाइज नंबर में 0 प्लस हो जाए, ठीक है, नंबर प्लस 0 हो जाए। ये इसलिए लिखा है ताकि अगर कोई ऑड नंबर भी है तो वो प्लस नहीं हो और 0 हो जाए, लेकिन प्लस क्या हो सिर्फ इवन नंबर प्लस हो, क्योंकि हमें यहाँ पे इवन नंबर चाहिए और इवन नंबर के लिए हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करवा दिया 2 से और फिर हमने प्रिंट कर दिया द सम ऑफ दीज नंबर्स आर, और यहाँ पे हमने नंबर यानी कि इस नंबर में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस हो आ जाएगी, तो इस नंबर में वही वैल्यू होगी जो यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे प्लस होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर अप टू 10 टाइम्स। मल्टीप्लीकेशन टेबल हमें यहाँ पे बनानी है कि यूजर कोई भी नंबर ऐड करे तो उसका जो टेबल है वो यहाँ पे आ जाए अप टू 10 टाइम्स तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर और हमने यूजर से इनपुट ले लिया एंटर अ नंबर, लाइक यूजर ने मान लीजिए एंटर किया 2, ठीक है, तो 4x इन रेंज हमें हमने एक फोर लूप चलाया 1 से लेके 11 तक का, ठीक है, और यानी कि 10 टाइम हमने इस लूप को चला दिया और यहाँ पे हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से, ठीक है। तो नंबर जो कुछ भी होगा, यानी कि यहाँ पे यूजर ने मान लीजिए 2 एंटर किया है, तो x जो है वो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, और x सबसे पहले क्या होगा 1 होगा सबसे पहले, देन फिर उसके बाद में 2 हो जाएगा x, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद में लूप चलेगा तो फिर x हो जाएगा 3 और फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो ऐसे करते करते 2 जो है वो 1 by 1 10 टाइम सबसे मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से 2 की पूरी टेबल बन जाएगी और प्रिंट हो जाएगा x यहाँ पे। सो लाइक दिस वी कैन डू दीज प्रोग्राम, देर आर सो मैनी प्रोग्राम इन योर बुक, सो डू ट्राई टू डू दीज प्रोग्राम्स। अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लॉजिक्स लगाने का ट्राई करिए, प्रोग्राम्स करने का ट्राई करिए, आप करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो दीज फोर क्वेश्चन वी हैव डिस्कस टूडे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, रेस्ट 5 क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास। डू ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, एंड डू ऑल द वर्क इन इंटरलीव नोटबुक, दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।